हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज हम कर रहे हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स का चैप्टर। कल हमने किया था टाइम एंड वर्क, और आपको पहले बता दूं कि ये छठा दिन है आईबीपीएस पीओ मेगा प्रेपरेशन सीरीज का। ये हम आईबीपीएस पीओ की मेगा प्रेप सीरीज कर रहे हैं एंड ये छठा दिन है। एंड मेरा नाम है रमनदीप सिंह, और कल मैंने आपको पूरा बताया था कि टाइम एंड वर्क के चैप्टर को अब बिना किसी शॉर्टकट ट्रिक के, बिना किसी अजीब से मेथड के, मैंने सिर्फ आपको दो ही मेथड बताए थे। एक ट्रेडिशनल मेथड था फ्रैक्शंस के साथ, और दूसरा था परसेंटेज के हिसाब से जैसे हम नॉर्मली करते हैं। दो मेथड बताए थे, लेकिन अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये चैप्टर को करने से पहले आपको फ्रैक्शंस और टाइम एंड वर्क ये दोनों चैप्टर पहले कर लें। अगर नहीं किया तो ये चैप्टर करने में परेशानी होगी। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बैंक एग्जाम टुडे के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज रात को 10 बजे वीडियो अपलोड करूंगा आईबीपीएस पीओ के जो मेगा प्रिपरेशन सीरीज है। अगले 9 हफ्तों तक आपको डेली वीडियो मिलेगा, डेली आपको लेक्चर मिलेगा, डेली आपको नोट्स मिलेंगे, और ये नोट्स और वीडियो लेक्चर्स इनफ है आईबीपीएस पीओ के प्री और इवन मेंस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हम बिगिनिंग से लेके बिल्कुल एक्सपर्ट और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पाइप्स एंड सिस्टम में कुछ एक टर्म्स हैं, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। एक होता है इनलेट पाइप, दो ही टर्म्स है बेसिकली। एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है। एक सिस्टम कह लीजिए, कोई टैंक कह लीजिए। मान लीजिए ये एक टैंक है, जैसे आपके घर में भी कोई टंकी होगी। इनलेट पाइप वो है जिससे ये भरता है टैंक को, ये टैंक को भर रहा है, इसमें पानी है या कुछ भी लिक्विड है और ये भर रहा है। जो पाइप इसे भर रही है इसको हम इनलेट पाइप बोलते हैं। और आउटलेट पाइप क्या होती है, मान लीजिए यहां पे कोई छेद हो गया टंकी में और ये टंकी इसकी वजह से खाली हो रही है, तो इसे हम आउटलेट पाइप या लीकेज, आउटलेट पाइप कह सकते हैं या लीकेज कह सकते हैं। इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे पाइप्स एंड सिस्टम वाले चैप्टर में यूज होता है। मान लीजिए एक इनलेट पाइप है, ये 10 घंटे में एक टैंक को भर देती है, 10 घंटे लगाती है ये पाइप और ये पूरा टैंक भर देती है। एक घंटे में ये कितना टैंक भरेगी, ऑब्वियसली 1/10 ऑफ द टैंक ये प्रति घंटे में भरेगी। और सिमिलरली आउटलेट पाइप, ये थोड़ा टाइम एंड वर्क से हटके है। मान लीजिए एक आदमी काम दीवार बना रहा है या कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है और दूसरा उसे तोड़ रहा है, ऐसा इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। और दूसरी एक पाइप है, ये आप कह लीजिए कि 20 घंटे में पूरा टंकी को खाली कर देती है, तो प्रति घंटे में ये कितना खाली करेगी, 1/20 पर आर। और आप कह लीजिए कि ये 10% ये जो है इनलेट पाइप, 10% ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10% प्रति घंटे में ये भरती है टंकी को, और ये 5% जो है इसी का, अगर आपने फ्रैक्शन याद किए हुए हैं थोड़ा सा आपको आइडिया है तो आप समझ रहे होंगे, 10% ये भरती है और 5% पर आर ये खाली करती है। ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब जो नेट वैल्यू है, नेट वैल्यू आपको निकालनी है, नेट वैल्यू है वो 5% प्रति घंटे भरा जा रहा है। मतलब अगर ये दोनों पाइप्स को एक साथ चला दें तो 5% प्रति घंटा, तो 20 घंटों में 100% अगर भर रहा है तो 20 घंटों में ये पूरा टैंक भरा जाएगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। मैं 6-7 क्वेश्चन करूंगा, बेसिक से लेके एक दो एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैं करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, अभी जो मैंने पिछला आपको बताया है ये 10 आर इनलेट पाइप और 20 आर आउटलेट पाइप, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। 2 पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स एंड 45 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिल द टैंक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक पहला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। पी पाइप है, ये 30 घंटे लगाती है भरने के लिए टंकी को, तो प्रति घंटा ये कितना भरती है, 1/30 पर आर जो है ये टंकी को भर देती है।
और जो क्यू है सिमिलरली वो 1 आवर 45 प्रति घंटा, और ये दोनों इनलेट पाइप्स हैं, आउटलेट पाइप्स नहीं है। अगर आपने निकालना है कि दोनों एक साथ करें काम करेंगी तो कितनी देर में अपना टंकी को भरेंगी, तो बहुत सिंपल है जो हम टाइम एंड वर्क में करते आ रहे हैं, 1 आवर 30 प्लस 1 आवर 45, बहुत सिंपल है ये। इसका अगर एलसीएम भी देख लें, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 90 आ गया, 3 प्लस 2 5 ओवर 90। वैसे मैं आपके लिए कर रहा हूं ये 90 ओवर 5 घंटों में ये पूरा कर देगी। इसको आप काट भी सकते हैं, तो आप देख लीजिए तकरीबन हो गए अपने 18 घंटों में ये जो है दोनों पाइप्स मिलके, दोनों पाइप मिलके, वो टाइम एंड वर्क की जो लैंग्वेज है वो यूज कर रहा हूं, लेकिन दोनों पाइप्स अगर खोल दी जाए तो 18 घंटों में यह पूरा टैंक जो है वो भर जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा। अभी अगला क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। ये देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 25 आवर्स, ये इनलेट पाइप है, कैन फिल भर सकता है 25 घंटों में, ये हो गया हमारा इनलेट पाइप। ड्यू टू लीकेज, लीकेज होता है आउटलेट पाइप, यानी कि माइनस, फिल्ड इन 50 आवर्स ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन, इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम। अभी यहां पे ये पूछ रहा है इफ द टैंक, लैंग्वेज को समझिए, इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द एम्प्टी इट। अभी ये आउटलेट पाइप का पूछ रहा है, अगर आउटलेट पाइप है तो वो कितना टाइम लगाएगी पूरी टंकी को खाली करने के लिए। अभी इनलेट पाइप अपने को दिया हुआ है 1 ओवर 25, अभी मैं थोड़ा सा स्टेप नहीं बता रहा हूं आपको, कितनी देर स्टेप बताऊंगा, 1 ओवर 25, ये जो इनलेट है ये 1 ओवर 25 लगाता है। ड्यू टू अ लीकेज इट इज फिल्ड, अभी यहां पे एक लीकेज है, ये हमें पता करना है, ये लीकेज एक्स मान लिया है हमने लीकेज को, लेट लीकेज, लीकेज की स्पीड कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लीकेज की स्पीड कह लीजिए, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड लीकेज की वजह से ये 1 ओवर 50th ही भक अपना खाली कर पा रहा है, पहले ये 1 घंटे में 1 ओवर 25th ऑफ द टैंक को खाली करता था, लेकिन अब ये 1 ओवर 50th कर पा रहा है। तो वैसे तो देख के पता चल जाता है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको स्टेप बताने जरूरी है। अभी अगर हम सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर 25 माइनस, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर दूसरी तरफ ले जाते हैं, सिंपल है आपके लिए, पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है मुझे, तो 1 ओवर 50 यानी कि 50 घंटे, 1 ओवर 50 पर आवर या 50 आवर्स में ये जो आउटलेट पाइप है इसको 50 घंटे लगेंगे पूरे का पूरा टंकी है जो उसको खाली करने में, 50 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तो यहाँ पे पाइप पी है जो एक पूरी टंकी को 40 घंटे में भर सकती है, फिल अ टैंक इनलेट पाइप है, पाइप क्यू है विच कैन फिल, ये भी अगेन इनलेट पाइप है, ये इनलेट है, ये भी इनलेट है, एंड पाइप आर कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 60 आवर्स, ये आउटलेट है, ये एम्प्टी कर सकता है तो ये आउटलेट है। इफ ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम दे विल नीडेड टू टैंक टू मेक इट फुल, भरने में कितना टाइम लगेगा। तो सीधा सीधा सिंपली सिंपली करते हैं हम, पी जो टैंक है ये 1 ओवर 40 लगा लीजिए प्रति घंटा, 1 ओवर 40 टैंक भरता है, और ये क्यू है ये 1 ओवर 50 भर देता है, और ये जो खाली करता है वो ऑब्वियसली माइनस होगा, खाली करने वाला टैंक इट विल बी माइनस, तो 1 ओवर 60 ये खाली करता है, ये टैंक आर है, तो ये कितना टाइम इसको लगेगा। इन सबका पहले एलसीएम देख लेते हैं, 40 50 60 का, तो मेरे हिसाब से ये बनेगा 600, एलसीएम निकाल लीजिए, वैसे ये 600 एलसीएम आपका बनेगा। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले 15 यहां आ गया, 12 आ गया, -10, तो चलिए कितना हो जाता है हमारा, 17 - 10 हो जाता है 7, 7 ओवर 600 प्रति घंटा, अगर पूरा टाइम निकालना है तो 600 ओवर 7, इतना टाइम जो है आपको लगेगा पूरा, ये पूरा टैंक जो है भरने में आपको इतना टाइम लगेगा। इसको आप आज में वैसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो सिंप्लीफाई ऐसे भी हो सकता है, 600 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका तकरीबन निकल जाएगा, कह लीजिए
17 दी पार 1 ओवर 7 या इतना का आंसर, या 2 इतना का आंसर होगा, डिवाइड कर लीजिए आपका सेम आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आसपास हो सकता है, आंसर मेरे सामने नहीं है। तो चलिए अगला करते हैं, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 1.5 आवर्स एंड 100 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है यहाँ पे, ये जो पाइप ए है ये भी इनलेट पाइप है, ये 1.5 घंटे में भरती है। यहाँ पे घंटे दिए हुए हैं और यहाँ पे मिनट दिए हुए हैं और यहाँ पे मिनट दिए हुए हैं, तो अच्छी बात यही होगी कि आप इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लें। ये 90 मिनट में पूरा भर देती है और बी जो है वो 100 मिनट में भरती है। एंड देयर इज अ आउटलेट पाइप सी है, जो ये जो है इसका देयर इज अ आउटलेट पाइप सी, अभी इसका कुछ दिया ही नहीं हुआ, ये एक्स हो जाएगा। द टैंक इज अभी पूरा, ये वही सिंपल सा आ गया है, टोटल दे दिया हुआ है कि अगर तीनों को खोल दिया जाए तो ऐसे 60 मिनट में भर जाएगा। वही सिंपल 1/90 प्लस 1/100 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/60। अभी इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, आपको फंडा मैं बता चुका हूं, वही हो जाएगा 1/90 प्लस 1/100 और इसको आप इधर ले आएंगे, माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/x। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका सीधा आंसर आ जाएगा, एक्स जो है वो हमारी सी की वैल्यू है, उसको जितना आपका आंसर आएगा उसको उल्टा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज इट इज। एक एक मिनट में हमने कोशिश करना है कि कम से कम कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज्यादा लंबा हमें क्वेश्चन नहीं खींचना। अगर एक मार्क मिल रहा है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तो हमें अप टू 1 मिनट में ही सॉल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है 1 मिनट के अंदर अंदर, आपको लगता है कि यार 1 मिनट में ये नहीं हो पाएगा, तो उसे छोड़ें। 60 मिनट है और आपका टारगेट जो है 60-65 क्वेश्चन का कम से कम होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको 2 मिनट लगाता है और ऐसे आप 15-20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी अटेम्प्ट सीधा 50 से भी कम चली जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि 1 मिनट के अंदर अंदर वाले क्वेश्चन ही करें। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 and 24 मिनट रिस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगा, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन पहले भी देख के ही आया हूं, पहली बार नहीं देखा, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने SBI के एग्जाम में देखा है 2014 में, अभी चाहे पैटर्न चेंज हो गया है लेकिन ये क्वेश्चंस अभी भी रेलेवेंट हैं। कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, कुछ 10-15% का चेंज हुआ है, हर साल 10% पेपर ही चेंज होता है, कोई ड्रास्टिक 100% चेंज नहीं होता है। तो टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 minutes and 24 minutes रेस्पेक्टिवली। 16 मिनट में और 24 मिनट में ये पूरा टैंक भरती हैं, पाइप ए 16 मिनट पाइप बी 24 मिनट। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 12 मिनट्स। अभी पहला अगर मैं इसको देखूं कि भाई ये 1/24 और 1/16, तो ये तकरीबन अगर मैं इसका एस्टिमेशन करके निकालूं तो ये 10 मिनट से भी कम निकलेगा, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लेस देन 10 मिनट जो है इसका आंसर निकलेगा। लेकिन इसने बोला कि मुझे तो जी टैंकी पूरी है जो 12 मिनट में ही भरनी है, तो आप बताएं कैसे होगा। तो सेम ऐसे ही होगा ना, थोड़े टाइम तक, स्टार्टिंग के थोड़े टाइम ए और बी दोनों पाइप्स चल रही थी और उसके बाद कुछ टाइम के लिए जो बी पाइप है वो बंद कर दी, तो फिर सिर्फ ए पाइप चल रही थी। और ये तीनों जो है, ये दोनों जो इवेंट हुए हैं ये 12 मिनट के लिए हुए हैं, थोड़े से टाइम के लिए ये जो है बी पाइप को बंद कर दिया गया। तो ऑब्वियसली तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो ए पाइप है, पहले ए और बी दोनों पाइप जो है ये एक्स मिनट के लिए चली है, कुछ हमें टाइम नहीं पता स्टार्टिंग में क्या हुआ, 3 इवेंट हुए हैं, देखिए ये 12 मिनट है हमारे पास, टोटल 12 मिनट है। स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक ए और बी दोनों पाइप्स को है ओपन करके रखा हुआ था और एंड के थोड़े टाइम में सिर्फ पाइप ए ही चल रही थी, तो इसको ए प्लस बी जो जितना टाइम ये स्टार्टिंग में चला 7 मिनट या 8 मिनट या 9 जितने भी मिनट ये चला, तो इसको हमने ए मान लिया। तो ये बाकी कितना बचेगा, 12 माइनस एक्स बचेगा। तो हमने दूसरी बार जितना चला उसको 12 माइनस एक्स हमने यहां पे पकड़ लिया। तो इसको सीधे से सिंपल से सॉल्व करते हैं, एक लाइन में पूरी इक्वेशन लिखूंगा फिर आप उसे इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। एक्स हमारे पास इक्वेशन है, एक्स हमारे पास पहले हमारे टाइम दिया हुआ है ए प्लस बी का,
और ए जो है वो 16 मिनट में भरता है और बी जो है वो 24 मिनट में भरता है, प्लस 12 माइनस एक्स हमने ये जो दूसरा टाइम लिया है जब खाली ए चल रहा था, और ए कितनी देर में भरता है, 1/16, और ये दोनों पूरा एक टैंक भरेंगे, मतलब एक यूनिट है जो काम का उसे कंप्लीट करेंगे। और इसको आपको अभी सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप कह लीजिए कॉम्प्लिकेट यहां पे हो जाएगा ना ना करते हुए भी, तो फिर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी चाहिए। 48 LCM है इसका, 3, 2, और आप कह लीजिए एक्स यहां पे आ गया, मेरे पास स्पेस बहुत कम है यहां पे, अब कह लीजिए 5x/48 प्लस, अब यहां पे कह लीजिए 12x/16, 12x, 12 माइनस x/16। अभी इस इक्वेशन है सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 5x माइनस ये 16 3 48 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, हम उठा के यहाँ पे ये प्लस था यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव एक्स माइनस 3x 2x हो गया, प्लस 36 इज इक्वल टू 48। अभी 2x की जो वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर लिख, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, अभी तो जगह कम बची है मेरे पास, 2x इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाती है 6 आवर्स। तो मैं ये कैरी फॉरवर्ड इसको यहां पे कर रहा हूं, तो ये देखिए 6 घंटे लगे, 6 घंटों में ए प्लस बी जो पहले पहले 6 मिनट, सॉरी आवर्स में नहीं था ये, मिनट्स में था, 6 मिनट पहले ये चला ए प्लस बी, और एंड में 6 मिनट जो है वो बाकी 6 मिनट बाद बंद कर दिया गया और ए पाइप चला, राइट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ी सी आपको अगर परेशानी हो रही है तो मैं दोबारा से बताता हूं, अच्छे से बताता हूं। ये देखिए दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दो पाइप्स हैं, पाइप ए है और पाइप बी है, ए पाइप 16 मिनट में भरती है टंकी को, बी पाइप 24 मिनट में भरती है, ये दोनों पाइप को अगर चला दिया जाए तो तकरीबन 9.5 मिनट में, लेस देन 10 मिनट्स में ये दोनों टंकी को भर देंगे, ये तो हो गया सिंपल। लेकिन एग्जाम सेटर ने तो थोड़ा डिफिकल्ट करना है, वो कहता मुझे तो जी 12 मिनट में भरना है, और भरने से थोड़ी देर पहले मैं बी पाइप को बंद कर दूंगा, तो मैं कितनी देर पहले बंद करूं कि ये 12 मिनट में ही भरा जाए, तो 2 ही मिनट बने, पहले कुछ टाइम में ए प्लस बी दोनों दोनों पाइप्स ओपन करी, और एंड के थोड़े टाइम में जो बी पाइप थी वो बंद हो गई, दोनों को मिला के 12 मिनट है, थोड़ा टाइम ए प्लस बी और बाकी का टाइम ये जो खाली ए, तो टोटल टाइम हमें 12 दिया हुआ है। अगर हमें टोटल टाइम दिया हुआ है 12, तो एक को एक्स मान लेंगे, दूसरा हमारा रिलेटिव 12 महीने से एक्स आ जाएगा, बस यही समझने की बात है। इससे आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये एक्स एक्स की वैल्यू आ गई हमारे, एक्स आ गया हमारे पास, दूसरा 12 महीने से एक्स आ गया, वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है कि कितने कितने टाइम में भरता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचे। एग्जाम के टाइम में आप कुछ भी शॉर्टकट ट्रिक ना यूज करें फालतू का, सिंपल बेसिक तरीके जो बैक टू सिंपल हो जाए, बहुत सिंपल, जितना सिंपल आप करेंगे, जितना लॉजिक आप समझने की कोशिश करेंगे, या तो आप लॉजिक समझ सकते हैं या आप ट्रिक समझ सकते हैं, हर एक चैप्टर के 10 10 ट्रिक समझ लीजिए, और टोटल 30 चैप्टर्स हैं अगर रीजनिंग इंग्लिश सब सारे मिला लें तो आप 300 400 ट्रिक समझ लें, और पेपर में ट्रिक याद करते रह जाएंगे। सिर्फ एक मैथड याद कीजिए, लॉजिक याद कीजिए, याद मत कीजिए, समझिए एक लॉजिक समझिए बस। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिक देखिए, मैंने सेम लॉजिक से सारे के सारे अभी तक के जितने क्वेश्चन है सारे एक ही लॉजिक से कर रहा हूं। इफ टू पाइप्स फंक्शन सिमिल्टेनियसली द रिजर्वायर इज फिल्ड इन 12 आवर्स, दो पाइप्स अगर एक टाइम पे चला दे तो 12 घंटे में पूरा टैंक भर जाता है। वन पाइप फिल्स द रिजर्वायर इन 12 आवर्स फास्टर देन द अदर, अभी ये सिंपल है, ये देखिए पाइप ए है, नाम नहीं दिया, मैं खुद से नाम दे रहा हूं, ये अगर एक्स आर्स में पूरा अगर भरती है टंकी को, तो पाइप बी है जो वो दूसरी 10 घंटा
लेट भर दी है तो एक्स प्लस 10 आर, या तो आप उल्टे तरीके से कर सकते हैं, एक एक्स आवर्स में या दूसरा एक्स माइनस 10, आपको 10 घंटे का डिफरेंस देना ही देना। तो मैंने ऐसे कर दिया सिंपल, एक एक्स आर लेती है और प्रति घंटे आप कह लीजिए ये 1 ओवर x पर r, ये जो है टैंकी को भरती है। अब प्लीज पिछला टाइम एंड वर्क और फ्रैक्शन का मेथड समझ लीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो। टाइम एंड वर्क के चैप्टर का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और कार्ड्स में भी दूंगा। बिल्कुल टाइम एंड वर्क और फ्रैक्शंस दोनों ये चैप्टर अच्छे से कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं एक घंटा बैठ के आप सबके कमेंट ही रिप्लाई कर रहा हूं। तो ये देख लीजिए, ये हमारी यहां तक तो बात क्लियर होगी। हाउ मेनी आवर्स Does the faster pipe take to fill the reservoir? इधर फिल्ड अगर दोनों एक साथ चलें, A plus B हो जाए, तो जी ये तो 12 घंटे में भर देता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मुझे पहले कराना चाहिए था, माफ करे। 1 ओवर x, दोनों वैसे इनलेट पाइप्स हैं, एक थोड़ी कम पानी, एक में से कम पानी आता है, एक में से ज्यादा आता है। ये एक सिंपल इक्वेशन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद ही सॉल्व कर लें, फिर भी आपके लिए एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। तो इसको आप आई थिंक खुद से इतनी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया और दे जाता हूं आपको, 2x प्लस 10 और x स्क्वायर। स्पून फीडिंग करने से कुछ फायदा नहीं होता है, जब तक आपको खुद को कुछ, आप खुद से मेहनत नहीं करते हैं तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम के टाइम में। ये 12 दुनी 24, अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने सिंपल फंडे जो हैं वो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, 10th लेवल का मैथ्स है सारा ये। आपको अगर कोई डिफिकल्ट तरीके से करा रहा है तो आपको थोड़ा सा बेवकूफ ही बना रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर था, अब 10 प्लस 10x, तो -14x हो गया, क्योंकि 24x को मैं उधर ले गया तो -120 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कितने पे जाएगा ये, -20x प्लस 6x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर मैं अगला करवाऊंगा, उसे भी जरूर कीजिए। वैसे मुझे पहले कराना चाहिए था लेकिन अभी मैं करवाऊंगा क्वाड्रेटिक का। पेपर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो बहुत बहुत सिंपल आती है। NICLA का जो एग्जाम था उसमें 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए थे। मैं एज अ स्क्राइब वहां पे गया था एग्जाम देने, मेरे साथ एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन थे, मैंने उनका एग्जाम साथ में बैठ के दिया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप कह लीजिए बोनस था, पेपर में सबसे इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोडिंग डिकोडिंग आई थी। तो ऐसा ही क्वेश्चन था ये, जैसे मैं आपको इक्वेशन दिखा रहा हूं ऐसी सी बेसिक सी इक्वेशन थी। तो यहां पे आप देख लीजिए मेरे पास जगह बहुत कम रह गई है, तो चलिए x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x या तो हो सकता है -6 या 20, माइनस में होना पॉसिबल नहीं है, तो 20 हमारा आंसर 20 आवर्स में है, जो हमारा x की वैल्यू 20 आवर्स आती है, एंड 20 आवर्स इज आर आंसर। जो ए पाइप है वो 20 घंटे में भरती है और बी पाइप है वो 30 घंटे में भरती है, और दोनों मिलकर 12 घंटे में भरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ सिस्टम हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स, अ टैप इज टर्न्ड ऑन विच एडमिट्स 8 लीटर्स अ मिनट इनटू द सिस्टम, एंड नाउ इट इज एम्प्टीड इन 12 आवर्स। थोड़ा धीरे बोल के आपको समझाता हूँ, ऐसे तो मुझे भी समझ नहीं आएगा। अ सिस्टम हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स, एक आप कह लीजिए लीक है, ये 8 घंटे में जो है ये पूरा खाली कर देता है टंकी को, या आप कह लीजिए -1/8 प्रति घंटा, इतनी ये इसकी प्रति घंटे में 1/8 ऑफ द टैंक है इसको खाली कर देता है। अ टैप इज टर्न्ड ऑन विच एडमिट्स 6 लीटर एक मिनट में पानी इसमें डालता है इनटू द सिस्टम, एंड इट इज नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स। चलिए एक टैप बी है जो एक मिनट में 6 लीटर पानी डाल रही है इसके अंदर। अभी कह रहे हैं पहले तो जी लग रहा था हमारा 8 घंटे में टंकी खाली हो रही थी, लेकिन जब से भाई हमने ये जो बी हमारा पाइप है ये जब से डाला है तो ये तो जी हमारा चेंज आ गया, तो अभी 12 घंटे में खाली हो रहा है।
तो आपने ये चेंज फाइंड करना है। अभी चेंज फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए अगर ए में से आप ए प्लस बी को माइनस कर देंगे, माइनस ए में से माइनस और कर देंगे ए माइनस ए प्लस बी को, आपको कम से कम ए की वैल्यू बी की वैल्यू तो पता चलेगी ना। इसमें से अगर आप इसको माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू में से, अगर ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे आपको ये तो पता चलेगा कि ये बी का क्या काम है, बी ने क्या इंपैक्ट डाला है। तो अभी देखिए 1/8 माइनस 1/12 इसकी देखिए वैल्यू क्या निकलती है। 24 इसका एलसीएम होगा, यस 24 होगा। तो 1/24 इसकी वैल्यू निकल दी है। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल हो गया। ए जो पाइप है वो 8 घंटे में खाली करती है, बी जो है वो 24 घंटे में भर देती है। बी पाइप जो है वो 24 घंटे में भरती है, 24 आवर्स में पूरा भर देती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 24 घंटे में अगर भर रही है, 24 घंटे में होते हैं जी 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, एंड उसके बाद आप कह लीजिए अ टैप इज टर्न ऑफ, 6 लीटर और ये पानी है जो इसमें भर देती है। तो इसका आंसर कैलकुलेट कीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन आपने खुद ने करनी है। तो इतना आपके लिए आज, थोड़ा मैं आपको टेस्ट भी दे रहा हूं कि ये सारी मल्टीप्लीकेशन आप कोशिश कीजिए एक एक मिनट के अंदर अंदर आप करने की कोशिश कीजिए। जितना मैंने आपको अभी तक समझाया है ये सिर्फ सिंपल से फंडे में आपको बता रहा हूं। इनलेट पाइप है, जो इनलेट पाइप है वो प्लस का साइन है, जो आउटलेट पाइप है वो माइनस का साइन है। आपने बेसिक से कॉन्सेप्ट समझने हैं, जो आपको 7 क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके, मैंने थोड़े एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बिल्कुल और अच्छे लेवल तक, एसबीआई पीओ के लेवल तक का मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के आसार नहीं है, इस जितने मैंने आपको करवाए हैं इस लेवल तक के ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारा आईबीपीएस पीयू का मेगा प्रिपरेशन कोर्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एनरोल नहीं किया, तो प्लीज एनरोल कर लीजिए। जो इसका लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, एंड मैं इस चैप्टर का जो टेस्ट है वो भी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम एंड वर्क है जो हमारा, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके टेस्ट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड जीके डाइजेस्ट अगर आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं करी तो आपको मेंस के एग्जाम में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्रॉब्लम को ना आने दें और जीके डाइजेस्ट को इंस्टॉल करें, और डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, हम हर तरह का जो भी बैंकिंग से रिलेटेड, बैंक एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उससे हर तरह का टॉपिक का जो नोट्स है, जो आप कह लीजिए आप एडिटोरियल का भी जो आपके लिए जिस्ट है, जो पूरा निचोड़ है द हिंदू का, वो सब मैं, हम 4 टीचर्स बैठ के आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं। एंड प्लीज इसका फायदा उठाइए। जीके डाइजेस्ट जो है पूरा न्यूज फीड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसको आप यूज करें। जो टेस्ट है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और आईबीपीएस मेगा प्रिपरेशन कोर्स उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये आईबीपीएस पीओ की जो मेगा सीरीज है, अगले 9 हफ्तों तक मैं रेगुलरली आपको वीडियोज प्रोवाइड करवा रहा हूं, एंड रोजाना आपको वीडियोज जो है प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे फोन आ रहे हैं कि सर आप पहले पजल करा दें, पहले आप ये करवा दें, सीरीज करवा दें, वो करवा दें। ऐसा नहीं होगा, जो हमने शेड्यूल बनाया है उस तरह से ही करेंगे। अब ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाइए, मैं अभी बेसिक्स करवा रहा हूँ, बेसिक्स और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं, एडवांस लेवल की सीरीज जो है वो भी शुरू होगी। पहले ये जो हमारे नए साथी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली तैयारी शुरू करी है, जो पिछले 3-4 महीने से फेल हो रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियोस साथ में बना रहा हूं। और अगर आप पिछले 1-1.5 साल से भी फेल हो रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को फॉलो कीजिए, ताकि पहले हम 9 हफ्ते कुछ भी नहीं होते हैं, ऐसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, फिर हम एडवांस लेवल पे भी आएंगे, एडवांस लेवल की वीडियोस बनाऊंगा, आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। आप हिसाब लगा लीजिए कि जब तक आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आएगा आपका जो लेवल है वो इतना चेंज हो जाएगा
अगर आप फेल हो रहे हैं 2-4 मार्क्स से, 5 मार्क्स से, वो इजिली आप वो मार्क कवर कर जाएंगे। और अगर आपने अभी नई नई तैयारी करनी शुरू करी है तो आप यकीन मानिए आने वाले 4 महीनों में अगर आप ये सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और ये प्रेप कोर्स ले रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं अपने आप को, आने वाले 3 से 4 महीनों में मैं गारंटी देता हूं कि आप IBPS PU का एग्जाम क्रैक करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। रात को कह लीजिए 10 बजे से लेके मैं 11 बजे तक, 11 बजे मैं सो जाता हूं, 10 बजे से लेके 11 बजे तक मैं हर एक जो कमेंट है उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सुबह तो कंटेंट हम बनाते हैं, जीके डाइजेस्ट पे हम काम करते हैं, बैंक एग्जाम्स टुडे पे हम काम कर रहे होते हैं सुबह। तो रात को कह लीजिए 9:30 जब वीडियो अपलोड होती है, 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच बीच हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, तब से लेके 11 बजे तक मैं सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता हूं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी रात को तकरीबन 9:30 बजे।